हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सस्टेन डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और रिन्यूएबल एनर्जी। इससे रिलेटेड दोस्तों हमारे आज तक बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ झलक दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे इसमें से क्वेश्चन आए हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे 33 क्वेश्चन 2012 से लेके 2020 तक, केवल और केवल सस्टेन डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफाइड टारगेट टू अचीव बाय 2023 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन आया हमारा 2012 2016 के अंदर आया है, यहाँ पे 2017 देख सकते हैं आप। सभी ईयर के हमने क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग करके रख रखे हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए सस्टेन डेवलपमेंट गोल, यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ कि इसके अंदर किस किस को किस किस की अपेक्षा की गई है, और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40, अंडर गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद में ये देखिए, ये है हमारा 1 अक्टूबर 2020 को ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए 30 सितंबर 2020 को फिर से आया इन्होंने, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए ये रहा सस्टेन डेवलपमेंट गोल, ये कब आया, 29 सितंबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड, और कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको फ्री में ये क्वेश्चन देखने, तो वो भी तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप ये नोट्स ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट ntaugcnet.co.in विजिट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए इसको, ntaugcnet, उसके बाद में .co.in लगाना है दोस्तों। अगर आप .com या .in या कुछ और लगाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ntaugcnet.co.in लगाना है तभी ये वेबसाइट ओपन होगी। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्री में हमने बिल्कुल फ्री में यहाँ पे नोट्स डाले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट करंट अफेयर 2021 की पीडीएफ यहाँ पे डाली हुई है, उसके बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और उसके बाद में जैसे हम इसकी बात करें पीपल एंड एनवायरनमेंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर फॉर यूजीसी नेट पीपल एंड एनवायरनमेंट। और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड लाइव मॉक टेस्ट एमसीक्यू, इसमें दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखना। और इसके बाद में हमारे हायर एजुकेशन भी आने वाला है, और जितने भी हमारे टॉपिक है 10 के 10, सभी 10 यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप ये वेबसाइट जरूर विजिट करना, गूगल से आप ट्राई कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट ब्राउजर में आप ये लिख सकते हैं ntaugcnet.co.in। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और ऑफर चल रहा है अभी हमारा, 20 डेज 20 दिन अगर आप स्टडी करना चाहें तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के अंदर, और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 2012 से 20 तक, कोई ऐड वैड नहीं होगी, और रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन की वीडियोस दी जाएंगी, यानी बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ये इसमें जो दिया हुआ है ये सारा का सारा आपको हमारी ऐप के अंदर मिलेगा, तो आप केवल और केवल 99 रुपये में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करके भी आप ये डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सस्टेन डेवलपमेंट गोल यानी कि संधारणीय विकास लक्ष्य की बात करते हैं। इसकी शुरुआत हमारी दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन से हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरिया शहर में 1992 में हुआ था, ठीक इसके 20 वर्ष बाद 2012 के अंदर Rio+20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहाँ पे ये तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक जारी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, 1992 के अंदर हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और 20 वर्ष बाद 2012 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको 2020 तक जारी रखेंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को यह तय करके रखना है कि 2020 के बाद हमें क्या करना है, ये तय करके रखना था 2015 के पेरिस सम्मेलन में।
इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज लेके आएंगे, समझे भाई बात। इसी दौरान ये तय हुआ कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल जैसी कोई चीज हम लेके आएंगे, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेन डेवलपमेंट गोल सम्मेलन में 17 सस्टेन डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि 17 सस्टेन डेवलपमेंट गोल को कब अपनाया गया था, तो इसका आंसर है 2015 को इसे अपनाया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जून 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे जो लक्ष्य कब तक रखा गया है इसे प्राप्त करने का, 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अंदर दोस्तों संधारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या कितनी है, 169 है। इसके अंदर 17 तो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है और 169 हमारे एसोसिएटेड टारगेट की संख्या है। ये चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो हमारा सस्टेन डेवलपमेंट गोल है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2015 के अंदर की गई थी। इसके अंदर 17 सस्टेन डेवलपमेंट गोल है और इसके अंदर जो एसोसिएट टारगेट की संख्या है वो कितनी, 169 है। और इसको प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन किसने दी थी, प्रेरण लैंड आयोग ने इसकी डेफिनेशन दी थी 1987 के अंदर। और उसके बाद में जैसे ये चीज़ हमने कर ही ली है, इसके टारगेट कितने हैं और एसोसिएटेड टारगेट कितने हैं, ये चीज़ हमने कर ली है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 2016 के बजट में धारणी विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई थी ताकि इन लक्ष्यों को जल्दी से प्राप्त किया जा सके। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। जो 17 हमारे लक्ष्य है वो 17 लक्ष्य कौन कौन से, उनको हम जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को एम्पावर करना, सभी के लिए स्वच्छ और अच्छे पानी की व्यवस्था करना, सस्ती टिकाऊ और विश्वसनीय ऊर्जा तक सभी की पहुंच बनाना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण उत्पादक रोजगार इत्यादि उपलब्ध करवाना। आप इनको अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। और इसमें जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेन डेवलपमेंट गोल नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या फिर ये कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सस्टेन डेवलपमेंट गोल है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और इन्हीं में से हमारे क्वेश्चन आज तक आए हैं और इन्हीं में से आगे आने की संभावना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। और अब हम करते हैं दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करते हैं, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। इसमें से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। देखिए, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य इसे कब अपनाया गया था, सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई, वहां उन्होंने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया था।
इन लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त कर लेना था, ठीक है। इसे कब पारित किया गया था? सन 2000 के अंदर, और कब तक अचीव करना था? 2015 के अंदर, ठीक है। और अब ये देखिए, सस्टेन डेवलपमेंट गोल कब पारित किया गया था? 2015 के अंदर, और अचीव कब करना था? 2023 तक। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 के अंदर पारित किया गया था, और इसे अचीव कब तक करना है? 2015 तक। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। और इसमें जो लक्ष्य है, टोटल लक्ष्य कितने हैं? इसके 8 लक्ष्य हैं, तथा एसोसिएटेड टारगेट की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 एसोसिएटेड टारगेट की संख्या है यहाँ पे। और इनके बारे में भी हम, ये भी हमारा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आया हुआ है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कब पारित किया गया था? सन 2000 के अंदर पारित किया गया था, और लक्ष्य कब तक है? 2015 तक है। लक्ष्य कितने हैं? टोटल 8 है, और एसोसिएटेड टारगेट कितने हैं? 18 है, ठीक है जी। और ये जो 8 लक्ष्य हैं हमारे, ये कौन कौन से, इनको हम देखते हैं। इनमें से भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। देखो, नंबर 1 पे, चरम गरीबी और भूख से अनुमूलन, यानी कि उससे छुटकारा पाना, प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपलब्धि, लिंग समानता और महिलाओं की स्थिति का प्रचार करना, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकना, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना। अच्छा, भारत की स्थिति, भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से एचआईवी, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है, जबकि अन्य लक्ष्यों में भारत अभी पीछे है, ठीक है। तो ये हमने इसकी थ्योरी की है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं और नोट्स में देखते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। चलिए, हम लेटेस्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, हमारे जो 2020 के या 19 के जो क्वेश्चन आए हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी? तो ये कितनी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 है इसका, 2/3 इसका राइट आंसर है। और ये देखो, ये हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर है ये, ठीक है। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, एक, ठीक है जी। चलिए, आगे हम देखते हैं, आगे इसमें से कैसे क्वेश्चन हमारे आए हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, 25 सितंबर 2020 को एक क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 है इसका, ABD इसका राइट आंसर है। ए के अंदर क्या है दोस्तों? निर्धनता और भूख का अनुमूलन करना, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ये देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। उसके बाद में डी, डी के अंदर क्या है हमारा? लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ये तीनों के तीनों ऑप्शन अभी हम पीछे करके आए हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इसके अंदर जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? सी नहीं है, जलवायु परिवर्तन संबंधित समाधान करना। जलवायु परिवर्तन के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दोस्तों देखना कि कौन से इसमें लक्ष्य है, कौन से नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था? कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन सा इशू नहीं है, वो हमें बात करना है। और ये किस किस में दोस्तों? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर है। अब देखो, शिशु मृत्यु दर, ये तो अभी हम पढ़ के आए, ऊपर पढ़ के आए शिशु मृत्यु दर, ठीक है। और पर्यावरणीय समर्थीयता, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मानव अधिकार, मानव अधिकार के बारे में बात नहीं की गई है, मानव अधिकार के बारे में कहीं भी। प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की गई है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, तो मानव अधिकार के बारे में बात नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरीके से क्वेश्चन आया, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेन डेवलपमेंट गोल, कौन सा सस्टेन डेवलपमेंट गोल नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर इसने इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। देखो, ओजोन लेयर के बारे में हमने कहीं भी बात नहीं की, ये देखो, ये है हमारा सस्टेन डेवलपमेंट गोल, ये था ना 17 हमारे लक्ष्य थे, इसके अंदर कहीं भी ओजोन लेयर का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, और बिल्कुल इजीली आप आंसर दे सकते हैं, आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इन नोट्स को पढ़ते हैं तो। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये देखो, इन्होंने
दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, HIV एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये देखो, ये इन्होंने ये वही वही आ गया, मातृ स्वास्थ्य वाला क्वेश्चन आ गया उसके अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे हमारा है ये भी मिलेनियम है, ये हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। हाँ ये देखो, प्राइमरी एजुकेशन, ये देखो आ गया ना, प्राइमरी एजुकेशन का क्वेश्चन हमारा, तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं हमारे, आगे हम देखते हैं इसके अंदर। ये हमारे ऊपर तो ये आ रहे हो जो हमारे सम्मेलन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सम्मेलन हम आगे की वीडियो में करेंगे। ये देखिए आगे फिर आ गया संपोषणीय विकास लक्ष्य, सस्टेन डेवलपमेंट गोल, इसके अंदर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 है ओशियन सी मैरिन रिसोर्स, और इसके अंदर क्या है, जल के नीचे जीवन का लक्ष्य किसके संरक्षण और संपोषण अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। ये ऐसे ये थोड़ा घुमा फिरा के इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ, डायरेक्ट टारगेट से क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जी यहाँ पे। हाँ जी, तो ये काफी क्वेश्चन है, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो मैंने आपको केवल और केवल 2020 के क्वेश्चन दिखाए ना, अब ये देखिए 2016 के क्वेश्चन, 2017, 2018, 2019, बहुत क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं दोस्तों सस्टेन डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप हमारी वेबसाइट ntugcnet.co.in वेबसाइट विजिट करना, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों इसमें से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा रिसोर्स क्या होते हैं हमारे, नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है, इससे तात्पर्य यह है कि यह कभी भी समाप्त नहीं होते, इनकी जो एनर्जी है वो कभी समाप्त नहीं होती, इनको हम दोबारा बार बार यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर और क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं भाई। दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जैसे तेल हो गया, गैस हो गया, कोयला हो गया, जिनको हम एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, और इनके भविष्य में समाप्त होने की संभावना रहती है। जून 2021 में जारी साइंस रिपोर्ट द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा एकमात्र ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसमें COVID-19 महामारी से उपजी उथल पुथल के दौरान भी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसमें सबसे कम न्यूनतम कार्बन का उत्सर्जन होता है, जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्सर्जन करते हैं। ये देखो जो हमारे हमारे नवीकरणीय ऊर्जा रिसोर्स है उनमें कार्बन बहुत कम उत्सर्जित होती है, जबकि जीवाश्म ईंधन वो हमारे क्या ग्रीन हाउस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफी ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन करते, यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, कि जो ग्रीन हाउस गैस वो सबसे ज्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होती है जी, तो ये चीजें देख सकते हैं दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती मांग का श्रेय पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकी के विकास को माना जाता है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा कहाँ से माने जाते हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से माने जाते हैं, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। 2018 में बिजली उत्पादन का 16% पनबिजली और 10% सौर पवन और जैव ईंधन और बायोमास के माध्यम से प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन और देश में कुल अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सन 2020 के अंदर इसमें से, कि जो देश के अंदर सबसे ज्यादा जो अक्षय ऊर्जा वो कहाँ से उत्पादित होती है, सौर ऊर्जा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, और उसके बाद में जम्मू और कश्मीर दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र आता है जी। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है, तीसरा नंबर है भारत का, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है,
जो इसकी कुल विद्युत क्षमता का 36% है। ठीक है, 2030 तक क्षमता वृद्धि का लक्ष्य 450 गीगावाट रखा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पहले भी लक्ष्य पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, जिसमें प्रतिवर्ष 25 गीगावाट की वृद्धि हो रही है जी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। भारत का अक्षय ऊर्जा सेक्टर दुनिया में दूसरा सबसे आकर्षक अक्षय ऊर्जा का बाजार है। भारत ने फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी। और उसके बाद में हम देखते हैं 2030 तक विश्व में सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 ट्रिलियन यानी 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च 2020 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 35.86% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से है। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2035 तक वैश्विक सौर क्षमता का 8% होने की उम्मीद है। पूरे विश्व का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 8% होने की उम्मीद है। और 2021 में केंद्र सरकार ने अपने बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। आगे हम बात करते हैं, कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पे है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है पहले जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नई दिल्ली में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन इसका बहुत बड़ा सबूत है जी। ये हमारा ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ऐसा क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा, तो इसे भी आप याद रखना। ठीक है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, तो भारत में इसकी स्थिति और क्या, और इसको अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप इसको पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। भारत के कुल बिजली उत्पादन का मिश्रण अक्षय ऊर्जा से 35% है, कोयले से 55% है, परमाणु ऊर्जा से 2% है। ठीक है, और अन्य स्रोतों से हमारा 8% है। पेरिस समझौते में भारत ने 2030 तक अपने कुल बिजली उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और 2027 तक नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की कुल अक्षमता का 57 अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए देश लक्ष्य कर रहा है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों। इसमें से हमारे काफ़ी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। देखो 2027 का जो ब्लू प्रिंट है उसके अनुसार हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं, उसके अनुसार भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 275 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 72 गीगावाट की पनबिजली, ठीक है, 15 गीगावाट परमाणु ऊर्जा और अन्य शून्य उत्सर्जन स्रोतों से लगभग 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इसको मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट यहाँ पे हमारा। हाँ, आगे हम देखते हैं इसको, आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। इसमें नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं है, एक मैंने अलग से टेबल बनाई हुई थी, वो टेबल यहाँ पे नहीं है। चलो कोई नहीं, आप इनको ऐसे याद रखने की कोशिश करना, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारा 2027 का ब्लू प्रिंट है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार ने भी 2022 तक 40 गीगावाट के रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है जी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का लक्ष्य, देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़कर 18% तक पहुंच जाएगा। अभी ये कितना है, 7.8% है जी। और भारत के पास 31 मार्च 2030 तक 450 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य रखा गया है। ये चीज हम पहले भी पढ़ के, 2030 तक हमें कितना लक्ष्य रखा गया है, 250 गीगावाट का हमें लक्ष्य निर्धारित करना है जी। आगे दोस्तों हमारा 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा
उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दो हमारे दो इंपॉर्टेंट चीज आती है। एक तो हमारा क्या है कि अभी हम पढ़ के आए हैं, हमारा 2027 का ब्लूप्रिंट पढ़ के आए, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं 2027 में से, ठीक है। 2027 का जो ब्लूप्रिंट है, जो लक्ष्य है, वो अलग है हमारा, और जो 2022 का है वो अलग है। 2022 में से भी हमारे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से, और 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त करने का लक्ष्य हमारा रखा गया है। अच्छा, इसको आप याद करने का एक तरीका और बताता हूँ आपको, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो 2022 तक टोटल कितना अपना 175 गीगावाट है, ठीक है, और इसके अंदर 100 गीगावाट सोलर। अब देखो सोलर से 100, ठीक है, 100 सोलर, 100 100 सिमिलर हो रहे हैं ना, दोनों के दोनों जो नेम है वो मैचअप कर रहे हैं, ठीक है, 100 मतलब सोलर, ठीक है। इसी तरीके से 10 गीगावाट माने कि बायोमास, ठीक है, 10 बायो, ये देखो ये आई बायो में 10 नहीं है, यहाँ पे BIO, IO यानी कि 10 बन गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। तो इस तरीके से आप नॉन सेंस ट्रिक लगा के भी आप इनको यूज कर सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, टोटल 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, 100 गीगावाट हमारा सोलर से है, 60 गीगावाट हमारा विंड से है, और 10 गीगावाट हमारा बायोमास से है, 5 गीगावाट हमारा स्मॉल हाइड्रो पावर से लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये आप, हाँ ये देखो 5 गीगावाट हमारा स्मॉल हाइड्रो पावर से लक्ष्य रखा गया है। इसमें से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से भैया, अच्छे से चाहे आप वीडियो रोक लेना, चाहे कैसे भी कर लेना, ये नोट कर लेना भैया, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये पढ़ना, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे लिए है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये देखो, ये हमारे लिए कुछ इनिशिएटिव है जो भारत सरकार ने शुरू की है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत की क्या क्या पहल की गई है। हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, नेशनल हाइड्रो एनर्जी मिशन की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में पेश करने का रोड मैप तैयार कर रहा है। इस पहल में परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने की अक्षमता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, इस मिशन को वर्ष 2009 से वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी और जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक तो दोस्तों इसकी ना आपकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं, 2010-15 के दौरान स्थापित सौर क्षमता का 18 मेगावाट से लगभग 3800 मेगावाट के साथ ही क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें से हमारा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 COP21 के दौरान शुरू की गई एक पहल है, जिसमें 121 संभावित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था, जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। जी पीएम कुसुम, ये क्या है, कुसुम का अभिप्राय किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान से है। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन आ सकता है वो कैसे आ सकता है, ये इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा का क्षमता का उपयोग करके किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। राष्ट्रीय पवन और सौर हाइब्रिड नीति, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनियादी ढांचे तथा भूमि के इष्टतम तथा कुशल उपयोग के लिए ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर पीवी सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। ये आप दोस्तों, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना, नॉर्मली आप पढ़ लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए तो आपके माइंड में रहे भी हाँ ऐसी कोई चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, जैसे रूफ टॉप सौर योजना, ये हमने ऊपर पढ़ी थी रूफ टॉप,
सौर योजना, इसका उद्देश्य घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित कर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखने, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे, एक मिनट में कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको अगर मिले तो। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे उसमें से है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से, CO2 अमीशन से। CO2 अमीशन का जो हमारा टॉपिक है वो हम अलग से करेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, सस्टेन डेवलपमेंट से जो भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप हमारी ये वेबसाइट ज़रूर विजिट करना, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी दोस्तों हमारा ये एक ऑफर चल रहा है, 99 रुपये में आप 20 दिन स्टडी कर सकते हैं, सभी स्टडी नोट्स ले सकते हैं, वीडियोज ले सकते हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, हमारी ऐप के अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे करंट अफेयर के नोट्स वगैरह हमने सारी चीज़ें दी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।